नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू टेक वीके और मैं हूं विक्रांत। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सन्डे डेप्टर्स के बारे में और सन्डे डेप्टर्स से जुड़े ग्रुप्स के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा सन्डरी डेप्टर्स क्या होता है। सन्डरी डेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम गुड्स सेल करते हैं, जिन्हें हम माल बेचते हैं, वो पार्टियां, ऐसी पार्टियां सन्डरी डेप्टर्स कहलाती हैं। और सन्डरी डेप्टर्स के ग्रुप्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक मार्केटिंग, आपकी एक मार्केटिंग कंपनी है और आपके पास में तीन या चार सेल्समैन है और वो चारों सेल्समैन की पार्टियां सभी की अलग अलग होती है। तो सारी जब हम पार्टियों का लेजर क्रिएट करेंगे तो हमें उन सेल्समैनों के नाम से एक ग्रुप बनाना होता है जिसके अंडर में जिसकी पार्टी है उसके अंडर में उसके ग्रुप के अंडर में हमें उस पार्टी का लेजर अकाउंट बनाना होता है। तो मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। यहां पर हमें जाना है अकाउंट इन्फो में, आप देख सकते हैं यहां पर अकाउंट इन्फो और लेजर्स और क्रिएट। तो आपके सामने यहां पर लेजर क्रिएशन का पेज खुल गया है। अब हम यहां पर कुछ पार्टियां बनाते हैं, जैसे कि मेरी जो कंपनी है टैली में वो स्टेशनरी और बॉल पेन से रिलेटेड है, तो मैं स्टेशनरी से रिलेटेड कुछ पार्टियां यहां पर क्रिएट करता हूं। आप ध्यान से देखिए लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। लेजर क्रिएशन के लिए मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में, आपने अगर वो वीडियो मेरा नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा और मेरे सारे बाकी वीडियोस का लिंक भी मिल जाएगा। तो यहां पर देखिए आप है लेजर क्रिएशन में जाना है। सबसे पहले हमें F12 करना है, लेजर कंफिगरेशन F12 कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो एक इस तरीके का पेज खुलेगा। यहां पर हमें सारे ऑप्शन यस कर देना है ताकि कोई भी ऑप्शन हमारे लेजर क्रिएशन के पेज पर अनहाइड ना रहे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे लेजर सारे ऑप्शन खुल गए हैं, पहले कम थे। तो यहाँ पर हम पार्टी का नाम, मान लीजिए मेरी एक पार्टी का नाम है राज स्टेशनरी इंदौर। अब यहाँ पर पार्टी का नाम आपने लिख दिया है, मेलिंग नेम में जो आप यहाँ पर नाम लिखेंगे वो मेलिंग नेम में ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और नोट्स, पार्टी लेजर से संबंधित कोई भी आप नोट्स या मेमोरीज या कुछ मेमो वगैरह याददाश्त के लिए लिखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन या स्पेशल नोट्स में लिख सकते हैं। यहाँ पर अंडर देखिए आप, यहाँ पर हमें लेना है सन्डे डेप्टर्स के अंडर। तो यहाँ पर सन्डे डेप्टर्स, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास तीन सेल्समैन है तो मुझे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिस्ट ऑफ ग्रुप्स आ रहा है। तो हम जो भी लेजर बनाएंगे वो किसी ग्रुप के अंडर में बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरे उन सेल्समैन के ग्रुप, सन्डरी डेटर्स के ग्रुप्स यहाँ पर अभी बने हुए नहीं है। तो हम यहाँ पर ग्रुप्स बनाते हैं। यहीं पर हमें हमारे कीबोर्ड से अल्ट सी प्रेस करना है जिससे हम ग्रुप क्रिएशन के पेज पर पहुंच जाएंगे। अब मान लीजिए यहां पर मेरे एक सेल्समैन का नाम है विनोद शाह, तो मैं यहां पर सबसे पहले उसका उसके नाम के आगे लिख दूंगा सन्डरी डेप्टर्स डैश लगा के विनोद शाह, मतलब ये विनोद शाह का ग्रुप है और ये अंडर जाएगा यहां पर अब डेप्टर्स के, सन्डे डेप्टर्स के। और यहां पर हमें कुछ भी नहीं करना है, यहां पर हमें एंटर मार के इसे सिंपली सेव कर देना है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो हमने राज स्टेशनरी बनाई है वो पार्टी किसकी है, वो पार्टी या है विनोद शाह की, सन्डे डेप्टर्स विनोद शाह के नाम से हमने यहां पर ग्रुप बना दिया है। तो ये होता है सन्डे डेटर्स का लेजर और ये होता है सन्डे डेटर्स का ग्रुप। तो अब हम यहाँ पर मेंटेन बिल बाय बिल को यस रखना है हमें। यहाँ पर क्रेडिट पीरियड, अगर आपके पास में कोई क्रेडिट पॉलिसी आपकी कंपनी में चलती है तो आप यहाँ पर 30 डेज या 21 डेज
जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं अभी यहाँ पे कोई भी क्रेडिट पीरियड नहीं डाल रहा हूँ। अगर आपके टेली में या आप जहाँ पर काम करते हैं तो वहां पर आप अगर कोई पॉलिसी है क्रेडिट पीरियड की, कि मान लीजिए कि आपको 30 दिन के अंदर आपको पैसा चाहिए, तो वो आप यहाँ पर 30 डेज, यहाँ पर 30 डेज कर सकते हैं, 21 डेज कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वाउचर एंट्री नो करता हूँ मैं, और यहाँ पर पार्टी का एड्रेस डाल देता हूँ मैं सिंपली। अभी यहाँ पर एक छोटा सा एड्रेस आपको समझाने के हिसाब से डाल देता हूँ मैं। यहाँ पर हमें पार्टी का नाम और पार्टी का पूरा एड्रेस, ताकि ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ, बाकी आपको पूरा वहां पर एड्रेस डालना पड़ेगा, वरना आप जो गुड्स पार्टी को भेजेंगे वो पार्टी को अगर एड्रेस नहीं होगा तो वो मिलेगा नहीं, और आप भेजेंगे मुंबई और पहुंच जाएगा दिल्ली। तो चलिए, ये तो मजाक की बात है। यहाँ पर स्टेट मध्य प्रदेश लेते हैं। कॉन्टेक्ट पर्सन जो भी होगा पार्टी का, आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर संजय कॉन्टेक्ट पर्सन है। यहाँ पर जो भी फोन नंबर होगा आप उसका फोन नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर है यहाँ पर, यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जो भी होगा XYZ, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। फैक्स तो बंद होगा यहाँ पर। ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर डाल सकते हैं, उसका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आपको यहाँ पर वो डालना है। मैं एक रेंडमली ऐसे ही बना के यहाँ पर डाल देता हूँ, लेकिन आपकी तो जो पार्टी का होगा वो आपको यहाँ पर डालना है। कोई सीसी ईमेल आईडी है, पार्टी की एक से ज्यादा मेल आईडी है, तो आप उसको यहाँ पर सीसी में ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर है तो आप वो भी डाल सकते हैं, वरना आप छोड़ दीजिए इसे। यहाँ पर पार्टी का पैन नंबर डालने की अभी आवश्यकता नहीं होती है। आप जीएसटी नंबर में यहाँ पर देखिए आप कि अगर कंपोजिशन पार्टी है तो आप कंपोजिशन सिलेक्ट करेंगे, और रेगुलर है तो रेगुलर, अनरजिस्टर्ड है तो अनरजिस्टर्ड सिलेक्ट करेंगे। कंज्यूमर के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक जीएसटी नंबर मेरे हिसाब से एक डाल देता हूँ मैं, जो भी है। यहाँ पर और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल आपको नो रखना है और इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपका एक लेजर बन चुका है यहाँ पर। अब मान लीजिए मेरे पास में और भी पार्टी है, और भी सेल्समैन है, तो यहाँ पर मैं एक और बनाता हूँ लेजर पार्टी का। पार्टी का नाम डालना है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर सनी डेटर विनोद शाह, लेकिन अब मेरे पास ये पार्टी मेरे किसी और सेल्समैन की है। इंदौर कोई और सेल्समैन या और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कोई और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देखता है, और देवास कोई और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव देखता है, तो यहाँ पर मुझे उसके नाम से ग्रुप बनाना पड़ेगा जिसके अंडर में मैं इस पार्टी का अकाउंट लेजर खोलूंगा। तो यहाँ पर चलिए अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं अल्ट सी और ग्रुप क्रिएशन के पेज पर आ जाते हैं, और यहाँ पर हमें टाइप करना है सन्ड्री डेप्टर्स डैश, और यहां पर हमारे सेल्समैन का नाम है संजय मिश्रा, और इसे यहां पर हमें अंडर सन्ड्री डेप्टर्स लेना है और इसे यहां पर हमें एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये देखिए, अब ये इस पार्टी का लेजर जो संगम स्टेशनरी है, इसका लेजर बन रहा है संजय मिश्रा के ग्रुप के अंदर, मतलब ये पार्टी संजय मिश्रा की है। ऐसे ही हमारे पास जितने सेल्समैन या जितने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होंगे, हम उतने ग्रुप बनाएंगे, और उन मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स के जितनी भी पार्टियां या लेजर होगी उनके इंडिविजुअल उनके ग्रुप्स के अंदर उनके लेजर बनाएंगे। तो इस प्रकार से हमें लेजर और ग्रुप बनाना है। तो उम्मीद करता हूं कि अभी आप समझ गए होंगे। मैं यहां पर एक एड्रेस डालता हूं, फिर यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट करना है, स्टेट सिलेक्ट करना है। स्टेट एमपी से बाहर की भी हो सकती है, तो आपको जो भी स्टेट हो आपकी पार्टी की, आप वो यहाँ पर स्टेट लीजिए। कॉन्टेक्ट पर्सन में आप जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए।
फोन नंबर जो भी है आपका वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी जो भी रहेगा पार्टी का वो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है। कोई एक से ज्यादा ईमेल आईडी है तो आप दूसरी ईमेल आईडी भी यहाँ पर उसकी जोड़ सकते हैं, बैंक डिटेल डाल सकते हैं। यहाँ पर बैंक डिटेल में आप जब यस करेंगे तो अंदर आपको एक ऐसा एलोकेशन मिलेगा, आप नेफ्ट करेंगे, चेक करेंगे, इशू करेंगे, जो भी आप यहाँ पर सारी चीजें उसको डाल सकते हैं। तो अभी हम इसको नो करते हैं, इसकी जरूरत काफी कम पड़ती है, पिन नंबर डालने की जरूरत नहीं, रेगुलर पार्टी है। यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं, और ये ध्यान रखिए यहाँ पर आपको ये सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो ही रखना है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है, हम यहाँ पर कोई बैलेंस भी नहीं डालना है और हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। तो देखिए अभी हमारे यहाँ पर दो पार्टियां बन गई है, हम जब डिस्प्ले में जाएंगे हमारा तो हमें देखना है कि हमारी पार्टियां कहाँ है, तो डिस्प्ले, अकाउंट बुक और लेजर, फिर से आप देखिए यहाँ पर डिस्प्ले में, यहाँ पर देखिए ये डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स और लेजर में जाएंगे तो हमें यहाँ पर हमारी दोनों पार्टियां दिखेगी। हम किसी एक पर मैंने अभी राज स्टेशनरी पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए अब हमें हमने जो डिटेल डाली थी वो तो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो वो कैसे शो होगी, वो हमें कैसे शो करना है। तो उसके लिए ध्यान रखना, आप जब डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर करते हैं तो इस तरीके का एक पेज खुलता है, अगर उसकी कोई सेल्स एंट्री या परचेस एंट्री होती है, यहाँ पर कोई भी एंट्री होती है उसकी, तो यहाँ पर वो सारी एंट्रियां शो करेगी। और हमें पार्टी के लेजर को सारा देखना है तो हमें यहाँ पर अल्ट सी प्रेस करना है आकर के, तो हम आप देखेंगे यहाँ पर सारी डिटेल पार्टी के हमने जो भी वहां पर डाली थी सारी आ जाएगी यहाँ पर। और ऐसे ही हम यहाँ पर ग्रुप्स भी देख लेंगे, अकाउंट बुक्स में जाकर डिस्प्ले अकाउंट बुक, सॉरी यहाँ पर अकाउंट इन्फो, लेजर और डिस्प्ले में जाएंगे तो आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिख जाएगी। अब जब राज जनरल स्टोर पर एंटर मारेंगे तो आपको ये सारा डिटेल आपका लेजर मिल जाएगा, और आप उस तरीके से भी देख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं। और यहाँ से आप ग्रुप्स में जाते हैं और ग्रुप्स में डिस्प्ले करते हैं तो हमारा यहाँ पर मान लीजिए डिस्प्ले पे हमने क्लिक किया और हमारा जो था एक संजय मिश्रा, तो ये देखिए संजय मिश्रा यहाँ पर एक ग्रुप आ रहा है, और उसी प्रकार से यहाँ पर विनोद शाह का भी ग्रुप आ रहा है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि सन्डरी डेटस ग्रुप्स और सन्डरी डेटस लेजर कैसे बनाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।